हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 5 की, जो कि 14 जुलाई के लिए जारी की गई है। क्लास 10th की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप ध्यान दें तो इसको हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, आपको जस्ट ये रिवाइज करने के लिए पढ़ाया जा रहा है बच्चों। तो फिर भी आप इसे ध्यान से पढ़िएगा ताकि आपका रिवाइज जो हो ये टॉपिक वो भी अच्छे से हो सके। तो एज वी ऑल नो, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, बट वी कैन नॉट से दैट दे कैन बी रैंडमली रिवॉल्विंग अराउंड इट और डजंट फॉलो एनी रूल। एज एक्सपेक्टेड और एज नोन, दे कैन फॉलो सर्टेन टाइप्स ऑफ रूल एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज रिवॉल्व इन ऑर्बिट और सेल्स। दे आर रिप्रेजेंटेड बाई अल्फाबेट्स के एल एम एन, सेइंग दैट कि के वाज क्या फर्स्ट सेल, एल वाज सेकेंड सेल, एम वाज थर्ड सेल एंड एन वाज फोर्थ सेल। देन इफ यू टॉक अबाउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल, दे कैन बी गिवन बाय द फॉर्मूला टू एन स्क्वायर। अब इधर एन क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों? एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ शेल, यानी कि जो नंबर है शेल का। तो के का क्या हो गया 1, एल के लिए हो गया 2, एन के लिए हो गया 3 और एम के लिए 4। अब इन्हें निकालने का तरीका बच्चों, तो जब हमें के का निकालना हो तो क्या करेंगे, 2 × 1² = 2। एल का नंबर है 2, तो 2 × 2² = 8। थर्ड सेल है एम, एम का हो गया 3² × 2 = 18 और फोर्थ का हो गया एन, यानी 2 × 4² = 32 बच्चों। अब एक चीज़ और क्या रह जाती है कि आउटर मोस्ट सेल कैन हैव मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ही रहेंगे और ज़्यादा नहीं रहेंगे। एक छोटी सी फिगर भी देख लीजिए आप, दिखा रहा है ये न्यूक्लियस है और ये शेल्स के अरेंजमेंट है, के एल एम एन। तो एन क्या है, आउटर मोस्ट सेल है, के इनर मोस्ट सेल है, ठीक है। तो बच्चों अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का ये कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। इसमें से मैं कुछ को आपको बताता हूँ और कुछ आप खुद देखिएगा। जैसे हाइड्रोजन का 1 है तो ये के सेल में ही एकोमोडेट हो जाएगा, ठीक है। अब हीलियम का 2 है तो ये 2 पूरी शेल भर गई। अब लिथियम का क्या है, लिथियम का 3 है तो के सेल फुल हो गई, तो ये एक इधर कहाँ आया, एल सेल में। अच्छा, एक चीज़ सबसे ज़्यादा आप पढ़ोगे कार्बन के बारे में, कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन है 6, सॉरी इलेक्ट्रॉन नंबर है 6। तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा इसका, 2 और 4। फिर है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का है 8, तो इसका कैसा होगा, 2 और 6 बच्चों। अच्छा, अब जब आगे बढ़ोगे आप तो एक कॉमन चीज़ आपको देखने को मिलती है, सोडियम, सोडियम का है 11, तो 11 का कैसा होगा, 2 8 1, यानी के एल एम, एम शेल तक पहुंच गया। 8 और 2 10 और 1 11 बच्चों, ठीक है, ये इतना एकोमोडेट कर लिया। अब एन तक कब पहुंच रहा है, वो एन में पहुंचेगा पोटेशियम और कैल्शियम में। पोटेशियम का है 19, तो ये क्या हो गया, के एल एम एन शेल, तो ये क्या हो गया, 19 है तो 2 8 8 और 2 10, अब फिर 8 चाहिए हमें तो 8 आ गया, यानी 18 और 1 19। अब कैल्शियम का अगर होगा 20 तो क्या होगा, 2 8 8 2, यानी कि 20 हो गया, 2 + 8 10 + 8 18 + 2, ये हो गया 20। इसी तरीके से बच्चों आपको देखने को सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशन मिलेंगे, आप एक बार चेक कीजिएगा इन्हें, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। कोई कन्फ्यूज़न हो तो वीडियो को वापस देखिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की। तो जब क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन क्या है, राइट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एकोमोडेटेड इन के एल एम एन शेल, यानी कि के एल एम एन जो शेल्स हैं उनमें कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं। तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई द फॉर्मूला 2n² एंड के वाज फर्स्ट, एल वाज सेकंड, एम वाज थर्ड, एन वाज फोर्थ शेल, ठीक है। तो जब हम इस फॉर्मूले में पुट अप करेंगे इसको, नंबर्स को, तो हमारे पास आएंगे 2
एट, 18 और 32, ये नंबर्स क्या हैं? ये नंबर है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट करने के। एक बार ऊपर देख लेते हैं, रिवाइज भी हो जाएगा आपका। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल कैन बी गिवन बाय द फार्मूला 2n2। और ये क्या है, ये बताया गया है के में इतने 2, एल में कितने, एम में कितने, एन में कितने। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखते हैं। अगला है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल इज गिवन बाय फार्मूला 2n2। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एल एंड एम शेल। तो के एल एम एन हमें फाइंड करना है एल में और किसमें, एम में। एल है सेकंड और एन है, एम है थर्ड। तो फॉर्मूला क्या है, 2n2। तो पहले में क्या हो गया, 2 × 2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हो गया 4, 4 × 2 = 8। दूसरा है 3। तो थर्ड में क्या होगा बच्चों, 2 × 3 का स्क्वायर यानी 9 × 2 = 18। तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो एकोमोडेट कर सकता है वो, उसके बारे में बताता है। अब है क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोरीन, एल्यूमिनियम, कार्बन, ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, तो चलिए एक बार ऊपर देखते हैं और आपको इनके बारे में बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम का नंबर है 12, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2 8 2। तो ये तो बात है बच्चों मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम के बाद आता है सोडियम। सोडियम का है कितना, 11। तो ये क्या हो गया, 11 का 2 8 1 यानी 2 और 8 10 और 1 11। फिर है क्लोरीन, क्लोरीन का है 17, तो हो गया 2 8 7, 2 और 8 10 और 7 17 बच्चों। फिर है कार्बन, कार्बन का कितना है, 6, 2 और 4 6 4 2 6। ऑक्सीजन का 8, ऑक्सीजन का 8 है, तो 2 और 6 8। एल्यूमिनियम का बचा, एल्यूमिनियम का कितना है, 13, 2 8 10 और 3 13 बच्चों। तो ये क्या हो गया, ये सारे के सारे आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरे हो गए। तो बच्चों ये होगी आपकी वीडियो कंप्लीट, और वर्कशीट भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।